तक हमने किसी से भी नहीं शेयर किया। वो रात में बता कर रहा हूँ कहाँ गया वो लड़का, वो नाच रहा था। एहसास प्यार क्या होता है, एहसास जीवन में कब हुआ मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं हाई स्कूल तक कोई एजुकेशन में था, कोई एजुकेशन मतलब समझते हैं ना, लड़का लड़की है कि नहीं, मैं दसवें तक कोई एजुकेशन में था, नहीं रिगार्ड करिए। अच्छा ग्यारहवें में क्योंकि हमारे उधर जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ साइंस नहीं थी, तो मैं दूसरे कॉलेज चला गया जहाँ साइंस थी, तो जो कोई एजुकेशन में लड़कियां थी वही रह गई और मैं आगे निकल गए, मैं दूसरे कॉलेज चला गया ग्यारहवा बारहवा करने के बाद। अच्छा उसने ग्यारहवा बारहवा उसी कॉलेज से किया जिसको कुछ रहा होगा। संयोग देखिए क्या क्या हुआ कि भाई साहब मैं पहली बार बता रहा हूँ, अब तुमने छेड़ा है इसलिए शेयर कर रहा हूँ और इसकी वीडियो मैम साहब को पहुंच जाए। नहीं वो कोई कम नहीं है सर, क्योंकि जब मैम साहब मेरी जिंदगी में आई तो उसके बाद हमने ऐसा कोई पाप ही नहीं मतलब देखिए हर खूबसूरत लड़की को अगर आप देखें ना तो फिर उस खूबसूरती से ना इंसाफी है, है कि नहीं? हर खूबसूरत लड़की चाहती भी है कि हमको कोई देखे। एक दिन मैं आपसे चर्चा कर रहा था क्लास में कि औरतें सब्जी भी खरीदने जाती हैं तो साड़ी बदल के जाती हैं और आदमी कहो सारे जांघिया पहन के जाता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बिल्कुल टिप टाप एक बार ऐसे देखेंगे एक बार ऐसे, भाई क्यों देखती हो इसका मतलब कोई देखे, भाई हम तो देख ही नहीं जो हम जाएंगे आप कहेंगे तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तो बताऊं कम टू द पॉइंट, मैं संयोग बस पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया मेरा, तो मैं पॉलिटेक्निक में वैसे ही ज्वाइन किया था मैंने, अब वो लड़की डिग्री कॉलेज में आ गई उसी रायबरेली में, मैं रायबरेली का रहने वाला था तो रायबरेली में डिग्री कॉलेज में आ गई और मैं रायबरेली पॉलिटेक्निक में आ गया। एक दिन गुरु में जा रहा था साइकिल से, डिग्री कॉलेज चौराहे पे रिक्शे से आ रही थी, बात सुनिए अभी बात सुनिए अभी कुछ हुआ नहीं, उसने रिक्शा रुकवाया, रुको रुको रुको, अच्छा हमने भी देखा तो मैं भी रुक गया साइकिल से, मैं रुक गया तो पूछती है कि यहां कहां, तो मैंने कहा यहां तो अभी पॉलिटेक्निक में मेरा सिलेक्शन हुआ है यहीं पे मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो मैंने भी पूछ लिया तुम कैसे बोली मैं डिग्री कॉलेज जा रही हूँ, यहां पे हमने बीएससी वो बीए में एडमिशन लिया है, हम लोग दो चार मिनट बात किए और फिर इधर उधर हो गए, मतलब मैं अपने कॉलेज चला गया वो अपने कॉलेज चली गई। अब यार दूसरे दिन फिर मेरा फिर मन किया कि उसी कि वही टाइम वही डिग्री कॉलेज चौराहा, फिर उस दिन वो नहीं मिली, अरे पहले मोबाइल वोबाइल का जमाना था नहीं, और अच्छा तीसरे दिन फिर हम दोनों एक ही समय पे मिल रहे हैं, टाइम ही 10 बजे की उसकी भी थी 10 बजे की मेरी भी थी, और आसे पास का मामला था कोई बहुत, अब उसने पूछा तुम रहते कहाँ हो, अच्छा मैंने उससे ही पूछ लिया कहाँ रहती है, फिर हम लोग इधर उधर हो गए चले गए। फिर यार अब अगले दिन क्या हुआ होगा यू कैन वेरी वेल मतलब इमेजिन, हमको भी लगने लगा कि मिलते रहे उसको भी लगने लगा मिलते रहे। अच्छा
मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ हो रहा है और मेरे जीवन में मेरे माँ का बहुत बड़ा रोल है। मेरे जीवन में मेरे पिताजी हमको कभी नहीं कुछ बोले, ससुर चाहे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे याद है मेरा बचपना कि मेरी माँ सुबह बर्तन मांजा करती थी और हमको वही बगलिया बैठा के और हमको पढ़ाया करती थी। मतलब वो बर्तन मांज रही है और हमको बैठाए हुए बगल पढ़ाने के लिए। तो मेरी माँ का बड़ा रोल था। अच्छा, माँ ने जब मैं शहर आने लगा पढ़ने के लिए तो दो बात बताई थी, उसमें एक चीज ये था कि देखिए वो शहर है, तुम शहर जा रहे हो, तुम ये समझ लेना कि तुम केवल पढ़ने जा रहे हो, वहां अच्छे भी लोग मिलेंगे, गलत संगत भी मिलेगी। ए भाई कौन बोल रहा है, बात समझिए ना, जो बूढ़ बात। तो मेरी माँ की बात मुझे याद आ गई कि मेरी माँ ने मुझे आगाह किया था कि तुम केवल पढ़ने जा रहे हो। अब मुझे आभास हो गया था कि एके सिंह तुम्हें किस्क हो रहा है। हमने इश्क को किया अलग, हमने कहा डिग्री का चौराहे में जाऊं। लेकिन सर मन नहीं माना फिर, नहीं नहीं डिग्री मतलब फिर मुलाकात हुई, ऐसा नहीं है चार छह महीना बाद फिर कभी मुलाकात हुई, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि मेरी माँ की सख्त हिदायत है कि तुम्हें पढ़ना है और मुझे लग रहा है कि अगर हम दोनों लोग मिलते रहे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो कहाँ गए तुम, आज हमने पहली बार किसी से शेयर किया ये बात। एक वो दिन और एक आज का दिन आज बता रहा हूँ मैं। प्यार क्या होता है, वो एहसास अभी कटारिया किए तुम प्यार का, वो सारा हो जाता है, बताना नहीं होता है, आंखों से आंखों में हो जाता है और एक दिन कटारिया किसी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने जीवन के कुछ जो